तो दोस्तों, अगर आप भी अपने फ़ोन में GB WhatsApp में QR कोड स्कैन करके लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, दोस्तों आप यहाँ पे जैसे ही GB WhatsApp में QR कोड को स्कैन करने के लिए जाते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पे कुड नॉट लिंक डिवाइस लिखा हुआ आ जाता है और आप यहाँ पे GB WhatsApp में लॉगिन नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों आज आप मेरी ये वीडियो पूरी देख लेना, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पूरी इसकी प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप यहाँ पे QR कोड को यहाँ पे स्कैन करके अपने GB WhatsApp को कैसे चला सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आप मेरी ये वीडियो पूरी देखते रहिए बिना स्किप किए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे QR कोड से लॉगिन करने के लिए क्या करना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने प्ले स्टोर में चले जाना है। जी हाँ दोस्तों, आपको सबसे पहले अपने प्ले स्टोर में चले जाना है और दोस्तों प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पे अपने ऑफिशियल व्हाट्सअप को डाउनलोड कर लेना है। तो ये देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे प्ले स्टोर में आ चुका हूँ और दोस्तों प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पे अपने ऑफिशियल व्हाट्सअप को सर्च कर लेना है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे ऑफिशियल व्हाट्सअप को सर्च करके रखा हुआ है। दोस्तों मैंने यहाँ पे इसे पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है, क्योंकि दोस्तों मैं खुद यहाँ पे QR कोड को स्कैन करके अपने फ़ोन में GB व्हाट्सअप को चला रहा हूँ। तो दोस्तों आपको यहाँ पे इसे इंस्टॉल कर लेना है और दोस्तों इंस्टॉल करने के बाद आपको इसमें अपनी ID को बना लेना है। ये देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे अपने ऑफिशियल व्हाट्सअप को यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया हूँ और दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मेरा ऑफिशियल व्हाट्सअप यहाँ पे चल रहा है। दोस्तों अब आपको यहाँ पे GB व्हाट्सअप को QR कोड से लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, आप जो यहाँ पे GB व्हाट्सअप को यूज़ कर रहे हैं ना, आपको उसे यहाँ से ओपन करना है और दोस्तों ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और दोस्तों एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अब आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर नहीं डालना है। दोस्तों ऊपर आप यहाँ पे ट्रिपल डॉट देख सकते हैं, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है और दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लिंक अस कंपेनियन डिवाइस लिखा हुआ दिख जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको वीडियो स्किप जरा सी भी नहीं करना है, नहीं तो आप पूरी प्रोसेस नहीं समझ पाएंगे और आप यहाँ पे GB व्हाट्सअप को नहीं चला पाएंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पे लिंक अस कंपेनियन डिवाइस लिखा हुआ दिख जाता है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। और दोस्तों इसके ऊपर आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो दोस्तों आपको यहाँ पे QR कोड देखने को मिल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे QR कोड देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना एक और दूसरा फ़ोन लेना है और दोस्तों ये जो आपको यहाँ पे QR कोड दिख रहा है ना, आपको इसका फ़ोटो अपने वाले फ़ोन से ले लेना है। जी हाँ दोस्तों, आपको इसका फ़ोटो ले लेना है और दोस्तों फ़ोटो लेने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको फिर से अपने ऑफिशियल वाले व्हाट्सअप में चले जाना है। जी हाँ दोस्तों, जो दोस्तों आपने यहाँ पे ये वाला व्हाट्सअप को यहाँ पे इंस्टॉल करके रखा हुआ है ना, दोस्तों आपको यहाँ पे ये वाले व्हाट्सअप में चले जाना है। और दोस्तों ये वाले व्हाट्सअप में जाने के बाद ऊपर आप यहाँ पे ट्रिपल डॉट देख सकते हैं, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे, आपको लिंक डिवाइस का ऑप्शन दिख जाएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे लिंक डिवाइस के ऊपर क्लिक करना है। और दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एंड्रॉयड 14 लिखा हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों ये आपको यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ दिख रहा है क्योंकि दोस्तों मैंने यहाँ पे पहले से ही अपने फ़ोन को यहाँ पे QR कोड से स्कैन करके लॉगिन करा हुआ है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा, दोस्तों आपको यहाँ पे लिंक और डिवाइस का ऑप्शन दिख जाएगा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। और दोस्तों आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे पासवर्ड डाल लेना है। और दोस्तों पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पे स्कैन का ऑप्शन दिख जाएगा। तो दोस्तों स्कैन का ऑप्शन दिखने के बाद जो दोस्तों अभी आपने फ़ोटो लिया है ना अपने QR कोड का, दोस्तों आपको यहाँ से इसे ओपन करना है और आपको यहाँ पे इसे स्कैन कर लेना है। तो ये देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने यहाँ पे स्कैन करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे स्कैन कर लिया है और ये देखिए दोस्तों। तो दोस्तों अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे फ़ोन में यहाँ पे QR कोड स्कैन करके GB व्हाट्सअप चलने लग गया है। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे GB व्हाट्सअप फिर से ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे GB व्हाट्सअप ओपन कर लिया है और दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरी सारी की सारी चैट्स यहाँ पे वापस आ चुकी है और मैं यहाँ पे GB व्हाट्सअप को चला पा रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने आपको बिल्कुल यहाँ पे लाइव प्रूफ दिखा दिया है कि आप यहाँ पे कैसे QR कोड को स्कैन करके अपने फ़ोन में GB व्हाट्सअप चला सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी यहाँ पे वीडियो ख़त्म नहीं हुई है। जी हाँ दोस्तों, अभी यहाँ पे वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, दोस्तों अभी यहाँ पे वीडियो बची हुई है। दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पे ये कारण बताने वाला हूँ कि किस कारण से आपके फ़ोन में GB व्हाट्सअप में इस QR कोड को स्कैन करके लॉगिन नहीं हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको वाला रीज़न बता देता हूँ। तो दोस्तों वो रीज़न ये है ना कि दोस्तों जैसे आप यहाँ पे क्या करते हैं ना, दोस्तों आप अपने GB व्हाट्सअप में जाते हैं और दोस्तों GB व्हाट्सअप में जाने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और दोस्तों इसके बाद जब आप यहाँ पे ट्रिपल डॉट के ऊपर क्लिक करते हैं ना, तो दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जब आपको यहाँ पे QR कोड दिखता है ना, तो दोस्तों जब आप इसका यहाँ पे फ़ोटो लेते हैं ना, तो दोस्तों आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेट कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो दोस्तों आप यहाँ पे QR कोड देख रहे हैं ना, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये दोस्तों यहाँ पे थोड़ी देर में QR कोड चेंज हो जाता है। ये देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक बार यहाँ पे आपके सामने QR कोड चेंज हो चुका है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक बार और दिखा देता हूँ।
तो ये देखिए दोस्तों, फिर से यहाँ पे QR कोड चेंज हो चुका है। तो दोस्तों जब आप यहाँ पे इस QR कोड को ओपन करके इसका फ़ोटो लेते हैं और दूसरे WhatsApp में इसको स्कैन करने के लिए जाते हैं दोस्तों, तब तक यहाँ पे क्या होता है ना, ये QR कोड यहाँ पे चेंज हो चुका होता है और दोस्तों आपके फ़ोन में कोड नॉट लिंक डिवाइस वाली प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि दोस्तों जिस QR कोड का आपने फ़ोटो यहाँ पे लिया था ना, वो दोस्तों यहाँ पे चेंज हो जाता है और आपके फ़ोन में यहाँ पे लॉगिन नहीं हो पाता है। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है ना, आप यहाँ पे जैसे ही लिंकस कंपेनियन डिवाइस के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे जल्दी से QR कोड का फ़ोटो ले लेना है और दोस्तों जल्दी से आपको अपने दूसरे WhatsApp में चले जाना है और आपको जल्दी से लिंक डिवाइस के ऊपर क्लिक करके इस QR कोड को अपने फ़ोन में स्कैन कर लेना है। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे इस प्रोसेस को जल्दी जल्दी करेंगे ना, तो दोस्तों आपके फ़ोन में भी यहाँ पे QR कोड से स्कैन करके GP WhatsApp चलने लग जाएगा और आपको यहाँ पे कोड नॉट लिंक डिवाइस की प्रॉब्लम भी नहीं आने वाली है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि आपको यहाँ पे कोड नॉट लिंक डिवाइस की प्रॉब्लम क्यों आ रही है और दोस्तों अब आप भी अपने फ़ोन में QR कोड को स्कैन करके अपने फ़ोन में GP WhatsApp चला पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।